नमस्कार जनट्यू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर में हुए साझी विरासत बचाओ सम्मेलन, जो शरद यादव जिसने आगाज दिल्ली से किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीसरा ही सम्मेलन किया गया है। इसमें 15 दलों के शीर्ष लीडरशिप के लोग यहां पहुंचे और उन्होंने कहा एक ही बात। लबोलुआप अगर हम देखें पूरे इस सम्मेलन का, तो नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी और आरएसएस उनके निशाने पर रही। कहीं किसी ने कहा कि संविधान को बदलाव करने की कोशिश की जा रही, शरद यादव ने साफ कहा कि अगर राजनीति और धर्म का समन्वय बना या उसका गठबंधन हुआ तो तय है कि सीरिया के जिस तरह से हालात हुए, अफगानिस्तान के हालात जिस तरह के हुए हैं, वैसे ही हालात होंगे। यानी कि आईएसआईएस का जिक्र उन्होंने किया कि कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तमाम पहलुओं को हम सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर शरद यादव ऐसे क्यों बोले, क्या रही वजह। हमारे साथ पंकज जोशी जी भाजपा लीडर इस वक्त हैं, संगीता गर्ग जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पूरा जो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सम्मेलन हुआ उसको हम आपको दिखाते हैं, किस नेता ने क्या कहा, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। देश भर के विपक्षी दलों को एक जाजम पर लाने के लिए आज जयपुर के बिड़ला सभागार में साझी विरासत बचाओ सम्मेलन का मंच सजाया गया। इस सम्मेलन की अगुवाई जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने की। सम्मेलन की शुरुआत ही देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस पर प्रहार के साथ हुई। सम्मेलन का मकसद एंटी बीजेपी दलों को एक मंच पर लाना है। सीपीआई नेता अतुल कुमार अंजान ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा पहली बार सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सम्मान को चुनौती दी है। पायलट ने कहा कि अगले साल प्रदेश में भारी बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। मेडिसिन स्क्वायर में जब आप पहुंचे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रातः स्मरणीय 1008 श्री नरेंद्र मोदी जी, आप मेडिसिन स्क्वायर से क्या कह रहे थे? मैंने भाइयों ऐसा लग रहा था जानी लीवर और जानी वाकर का संवाद बोल रहे हैं। उनकी अंतिम नौबत थी। आप ये दोहरी आवाज क्यों निकालते हैं? भूतपूर्व 60 और 50 के दशक के फिल्मी कलाकार, हास्य कलाकार राधा किशन की तरह आवाज को निकालते हैं। तमाम साथियों का जो सभागार में मौजूद हैं, जो बाहर खड़े हैं, आप लोग भी अब कमर कस लो। 11-12 महीने का समय है और हम शुरुआत यहां से करेंगे। अभी हम लोग जीतेंगे बाकी राज्यों में भी, लेकिन राजस्थान में आपके आशीर्वाद से यहां पर बीजेपी की विदाई करनी तय है। इस बात का भी संकल्प सभागार में लेंगे। विपक्ष के इस राजनीतिक जमावड़े में सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने भी भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक और दलितों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। येचुरी ने कहा कि आज देश का चरित्र और राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलने की साजिश हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी कपड़ों की तरह बात बदलने में माहिर है। आनंद शर्मा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सराहना करते हुए उन्हें अर्थशास्त्री और पीएम मोदी को प्रचार शास्त्री तक कहा। गौरक्षा के नाम पर जो दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो हत्यारे हमले जो हो रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर इस साझा विरासत को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ताकि ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज नहीं रहेगा भारत, वो रहेगा उनकी हिसाब से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो हिंदू राष्ट्र का रूप देना चाहते हैं उस तरीके से। कुछ लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये कहना जरूरी है। संविधान सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, कुछ शब्द नहीं है, वो भारत की आत्मा है, वो भारत की सोच है, भारत की संस्कृति। साझी विरासत बचाओ सम्मेलन की अगुवाई कर रहे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव भी केंद्र पर जमकर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। शरद यादव ने कहा कि नोटबंदी ने देश के गरीब को कुचलने का काम किया है। शरद यादव ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब धर्म और राजनीति मिल जाती है तो उसका नतीजा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया होता है। किसान, मजदूर हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ हाहाकार। इसलिए इस हाहाकार को आप सब लोग, हम लोग मिलकर के नया भारत, जो भारत के सपने में देखा है हमारे पुरखों ने,
उस भारत को बचाने का हम लोग काम करेंगे। वहीं एंटी बीजेपी दलों के एक मंच पर लाने के साझा विरासत बचाओ सम्मेलन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पलटवार किया है। मुझे तो बड़ा हास्यपद लगता है जो कांग्रेस निरंतर उसकी सरकारें रही, केंद्र में रही, प्रदेशों में 55 वर्षों तक जब से हमारा देश आजाद हुआ निरंतर कांग्रेस की सरकारें रही, आज वो कांग्रेस दूसरे दलों से मिलकर के अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को इस बात का आत्मविवेचन करना चाहिए कि हम इस स्थिति में पहुंचे क्यों। बहरहाल विपक्ष के इस मंथन में सभी पार्टियों ने एकजुट होने का दावा जरूर किया है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष कैसे एनडीए के सामने आधार बना पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। जन टीवी के लिए योगेंद्र पंचोली की रिपोर्ट। चलिए आपने देखा निशाने पर नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा आरएसएस रही। साझा विरासत बचाओ सम्मेलन, विरासत क्या है, किसे बचाना है, एक बड़ा सवाल है। संगीता जी, ये जो सम्मेलन किया गया, कौन सी विरासत की बात की जा रही है और सम्मेलन कहीं ऐसा तो नहीं केवल बस एक मोदी सरकार को घेरने के लिए ही तैयार किया गया हो? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार हमें कहे भाजपा की सरकार कह लो या मोदी सरकार कह लो, किस तरीके से विपक्ष को कुचलने का काम, लोकतंत्र को बिल्कुल धराशाही करने का काम एक सोची समझी साजिश के तहत जो किया जा रहा है उसके ऊपर पलटवार करते हुए ये साझी विरासत सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। उसमें हम यह चाहते हैं और पूरी जो 15 दल जो यहाँ मौजूद रहे एकत्रित हुए, सब ये चाहते हैं कि हम सत्ता में आए ना आए लेकिन हमारा लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, हमारा संविधान कायम रहना चाहिए, विपक्ष की जो भूमिका है वो मौजूद रहनी चाहिए। बिल्कुल यही हमारी विरासत है, लेकिन जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए और ये कह लीजिए कि दादागिरी करते हुए विपक्ष को कुचलने का काम और लोकतंत्र को खंडित करने का काम जो किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा और इसी के तहत आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया। पंकज जी, प्रतिपक्ष एकजुट और मुल्क में कोई नई बात नहीं है कि प्रतिपक्ष की एकजुटता सरकार को घेरने के लिए की जा रही हो। इससे पहले इंदिरा गांधी को घेरने के लिए इसी तरह से सारे विपक्षी दल एकजुट हुए थे। पावर जब एक संगठन के हाथ में, एक सत्ता एक किसी पार्टी के हाथ में आती है और मजबूती होती है तो इसी तरह से बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होता है। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज हम कहें, अशोक परनामी साहब कह रहे हैं कि मुझे तो बड़ा सरप्राइज होता है कि जो कांग्रेस का भी लीडरशिप करती है आज दूसरे लोगों का सहयोग लेकर के और आगे बढ़ रही है। तो ये हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता हो, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस तरह से आप लोग भी कभी दूसरे लोगों के नेतृत्व में 2 कदम आगे बढ़ाए थे या सरकार बनाए में, तो ये पिक्चरें बदलती रहती हैं। लेकिन फिलहाल साझा विरासत की अगर हम बात करें तो एकजुट है और दावा साफ है कि 2019 का मोदी साहब जो सपना देख रहे हैं, सपने हम भी देख रहे हैं, लेकिन 31% वोट उस वक्त मिले थे बीजेपी को, 69% वोट अदर पार्टीज के पास में थे जो हमारे साथ में है। नहीं देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस अपने जो है अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि आज देखिए आप जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को कभी भी कोई बात होती तो ये कहती थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, 150 साल जो है हम लोगों का जो है इतिहास है। लेकिन आज वो जो है छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। खाली सिद्धांत की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वजूद की लड़ाई लड़ रही है। आज अपने जो है अपने को विरासत को बचाए रखने के लिए आज उनको उन पार्टियों के साथ भी सम्मिलित पड़ रहा है जहां कभी वो उसकी बातों को ना सुनते थे, ना देखते थे और ना ही कभी उसकी परवाह करते थे। और आज उसकी हालत ये होगी कि उनके साथ उनको खड़ा होना पड़ रहा है और उनके साथ उनको लगना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये जो बात कही कि अभी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खंडित करने की जो बात है, मैं कह रहा हूं कि आज वो लोग लोकतंत्र को खंडित करने की बात कर रहे हैं जिनका काला अध्याय जो है लिखा गया था लोकतंत्र के लिए, जिसको बहुत यही नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं कि पूरे विश्व के पटल पर जो है वो जो ये घटना थी वो लिखी गई थी। और आज भी जिस घटना को लेकर के जिन लोगों ने आज जहां खड़े हुए थे, जो जेपी आंदोलन के साथ खड़े हुए थे, वो लोग बेसिकली आज जो है उनके साथ थे। तो मैं कह रहा हूं ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आज जो है एक ही काम है, वो है किसी भी तरीके से
स्वार्थ पूरा हो। आज क्या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आज वो चाहते हैं कि हमारी लूट बरकरार रहे, हमारे भ्रष्टाचार बरकरार रहे। आज उनकी बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र का खराब हो रहा है, लोकतंत्र खत्म कब हो रहा है, जब यदि कश्मीर के अंदर अलगाववादियों के ऊपर यदि जो है आप जो शिकंजा कसते हैं, शिकंजा देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अखंड और सामाजिक देखिए अखंडता विश्व जान रहा है, अखंडता विश्व जान रहा है, आज भी देश के विदेशों के अंदर अरे भाई अखंड तो आज जान रहे हैं, हुआ नहीं ना होगा, अरे वो दिख रहा है ना, हम तो ये कह रहे हैं घटिया राजनीति के तहत मोदी जी ने कहा, घटिया है या अच्छी राजनीति है ये जनता देखती है। जिस तरीके से आपने देखा, अरे चाहे अभी गुजरात के उपचुनाव नगर पालिका उपचुनाव रहे वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ वही तो कह रहा हूँ आपको, आखिरी मैं संगीता जी मैं मारो गए पंकज जी रहेगा खत्म। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस वक्त। श्याम जी, शाहजी विरासत बचाओ सम्मेलन जो किया गया, तीसरा इसका सम्मेलन रहा जो शरद यादव ने दिल्ली से जिसका आगाज किया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश के इंदौर में, फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। विरासत बचाओ, बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और विरासत किसकी विरासत की बात की जा रही है, गठबंधन को लेकर के भी अभी अशोक परनामी साहब को हम सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि जो कांग्रेस अपने आप का दावा किया करती थी कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है वो लोगों का सपोर्ट ले रही है, तो क्या देखा जाए इसे? देखिए आज जयपुर में तीसरा इनका साझा सम्मेलन हुआ, मैं उनको शरद यादव जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देश में विकट स्थिति पैदा हो गई है, विपक्ष के पास 69% वोट है, भाजपा के पास 31% वोट ही है, तो उसके बावजूद भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं, एक हो जाएंगे तो देश को हम नई धारा में ले जाएंगे, इस भारत में संविधान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको बचाने के लिए हम सब एक छत के नीचे आए हैं। और लेकिन इस छत के नीचे आने का मतलब ये था कि आज शरद यादव खुद नहीं बता पा रहे थे कि वो किस पार्टी के हैं, क्योंकि उनके पास जो स्थिति पैदा होगी, जो कांग्रेस जिस स्थिति में है वो ऐसे नेता के अधीन खड़ी हो गई आज जाकर के जो खुद का अस्तित्व बचाने की स्थिति में है, तो विरासत बचाने की बात तो आज हुई, उसको लेकर के भाजपा भी सचेत हुई, उसने भी चिंतन बैठक की, क्योंकि उनको भी लगा कि विपक्ष आकर के यहाँ खड़ा हो गया है और विपक्ष एक साथ बोलने लगा है। आज उन्होंने ये तो कहा कि अखिल भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, शांति वाला भारत बनाएंगे, यहाँ हाहाकार मचा हुआ है, मजदूर वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है, ये सारी बातें एकजुट होकर के सबने कहा तो सही कि हम एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे और देश में अमन चैन शांति की राह टटोलेंगे, लेकिन सब चीज सहजता वाली नजर नहीं आ रही थी। यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा नजर आ रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ 2-3 नेता भी शामिल हुए, अशोक गहलोत इसमें शामिल नहीं हुए, उनके बेटे हुए थे, लेकिन जो प्रभावशाली स्थिति पैदा होनी चाहिए थी ना तो मायावती आई ना अखिलेश आए, तो ये सम्मेलन जिस रूप में आना चाहिए था वो रूप अपने आप में यहाँ स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि उनको ये लगा कि शरद यादव की स्थिति वो नहीं है जो लोग देख रहे हैं। वो जो आपको क्या लगता है, अभी जो नेता इकट्ठे हुए थे वो अपने अस्तित्व बनाने की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि विरासत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? कहने को तो कह रहे हैं कि देश की विरासत बचाने के लिए हम एकता की आपको क्या लगता है? लेकिन देश की विरासत बचाने के लिए एकजुटता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें खुद में एकजुटता नजर नहीं आ रही, क्योंकि सपा का कोई बड़ा अस्तित्व वाला व्यक्ति नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व बड़ा वाला व्यक्ति नहीं है, ममता बनर्जी वाला कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष भी अभी तक मजबूती के साथ एक सूत्र में नहीं बन पाया है। लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह गई आज कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन पाएगा, हम इनके सहारे से देश में एक नई चेतना लाके दिखाएंगे। सचिन पायलट खुद कह रहे थे, और उनके आनंद शर्मा भी आए थे, वो कह रहे थे कि देश में बड़ी हाहाकार की स्थिति हो गई, ये हो गई, सारी बातें हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी को हम किस प्रकार से चुनाव में पछाड़ेंगे। अभी तो हम एक सूत्र में बंधने की बात जरूर कर रहे हैं, आज जिससे लग रहा था कि एक सूत्र में बंध तो नहीं पा रहे, क्योंकि वो कह रहे थे कि वोट हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हम एक सूत्र में नहीं बंधे हुए, उसका परिणाम है कि आज भाजपा पूरे देश में शासन कर रही है 39% वोट लेकर के, 31% वोट लेकर के, और हमारे पास 69% होने के बाद भी हम बिखरे हुए हैं और अलग अलग स्थिति में हैं। चलिए संगीता जी, एक बात यहां जानना चाहूंगा कि देखिए बात हो सकती है कि अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टीज हैं, कई राज्यों में जो नेता उनका अस्तित्व हो सकता है, लेकिन राजस्थान की बात करें, कई बार इस तरह की कोशिशें की गई है कि किसी भी एक पार्टी को, भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ भी इसी तरह से दूसरे एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की गई थी, कांग्रेस के खिलाफ भी बना, लेकिन यहाँ की जो
जमीनी राजनीति की तासीर है वो दो दलों के अलावा तीसरे दल को लाइक नहीं करती है। मायावती जी शायद इस वजह से नहीं आई होंगी कि उनके एक बार 6 विधायक यहाँ राजस्थान की जनता ने उन्हें दिए थे, वो बात अलग है कि वो कांग्रेस में मर्ज हो गए। जनता दल यूनाइटेड का बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे शरद यादव की वजह से कुछ लोग जो जुड़े हुए थे वो शरद यादव के साथ चले गए, तो बहुत ज्यादा कोई अस्तित्व वाली बात नहीं है यहाँ पे। बाबा बालेश्वर के टाइम जनता दल का जरूर एक बार यहाँ पे एक अपना डंका था, तीन लोग आए थे उस वक्त, वो एक अलग हो सकता है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अलावा बड़ी ताकत के रूप में उठना बहुत मुश्किल बात है। देखिए योगेंद्र जी, हर पार्टी का अपना वजूद होता है और हर पार्टी के चाहे कम प्रतिशत हो चाहे ज्यादा प्रतिशत हो, उनका अपना प्रतिशत भी होता है और हर राज्य में उनका प्रभाव भी होता है। अपनी जो उनके पदाधिकारी होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि 15 दल एक साथ एकजुट हुए। हुए क्यों, उसी पे मैं आना चाहती हूँ कि सबका अपना वजूद है, अपनी पार्टी का अपना वजूद है। लेकिन जिस तरीके से जोशी जी ने कहा कि कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए काम कर रही है, तो जोशी जी को मैं ये बात बता दूं, कांग्रेस को अपना वजूद बचाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का वजूद पहले भी था, आज भी है और निश्चित रूप से आगे इससे ज्यादा दिखाई देगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, हमारा देश के ऊपर जिस तरीके से लोकतंत्र पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा है, और संविधान जो हमारे देश का जो संविधान है उसको बचाने की कवायद यहाँ पर की गई, लोकतंत्र को बचाने की कवायद। एक बार मैं जानना चाहूंगा, संविधान ये बात सभी कह रहे थे, सीताराम येचुरी हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे आनंद शर्मा हो, अतुल अंजान हो, सभी लोग कह रहे थे, देश के संविधान को खतरा कैसे लग रहा है? देखिए, हमारे देश में सामाजिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, वो कहां जा रहा है अभी? आप देखिए ना, जिस तरीके से आप योगेंद्र जी आप ये बात पूछें, आप तो वही जानना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या खतरा हो रहा है भारत के संविधान को? भाजपा कर क्या रही है? वोट डालो राज करो, भाई को भाई से लड़ा दो, इस तरह की जो भावनाएं हैं ये देश के लिए खतरा है। और ये आपको ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, सड़कों पे मारा जा रहा है गोरक्षक के नाम पे, ये सब बातें हैं? ये सारी ठीक है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, देखिए एक बात जानना चाहूंगा, हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए, संविधान की आत्मा सौहार्द बनाने के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की बात कही जाती है, लेकिन ऐसी कोई गवर्नमेंट है जिसके वक्त यहाँ पे कम्युनल टेंशन नहीं हुई हो, राइट प्रॉब्लम नहीं हुई हो, ऐसा कोई है कि जहाँ दंगे नहीं हुए हो? देखिए योगेंद्र जी, छुटपुट घटनाएं हर राज्य में होती है, मैं उस चीज से एग्री करती हूँ, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि पिछले मैं एक साल की बात करूं तो 50 एनसीबी के आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ कि 50,000 से ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले हुए। आप किसी भी क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, गोरक्षकों द्वारा किस तरीके से लोगों को लिंचिंग के मामले हमारे सामने आए, उनके आंकड़े आप उठाकर देख ले, तो ये सारी जानकारियां, और ये जो जिन लोगों ने खून का एक कतरा देश को आजाद कराने में नहीं बहाया, वो आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। वो हर व्यक्ति कोई मुंह खोलता उसको ये कह देते हैं कि देशद्रोही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, जबकि उनका ध्यान होना चाहिए कि आज गरीब परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा वर्ग से जो आपने वादा किया कि केंद्र की सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, राज्य की सरकार कहती कि 15 लाख रोजगार हम देंगे, रोजगार के नाम पर युवाओं को मिला क्या? सिर्फ लोक लुभावने वादे, सिर्फ झूठे वादे। महिलाओं के अत्याचार के मामले में उन्होंने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, कहां है मोदी सरकार? हम पूछना चाहते हैं, अब कहां है मोदी सरकार और क्यों चुप है अब मोदी सरकार, जबकि महिलाओं के आंकड़े पिछले 3 साल में आप उठाकर देखेंगे तो वो भी बढ़े। ये विरासत बचाने की पहले, ये विरासत बचाने की पहले कि भारत की आत्मा बची रहे, आप लोगों का ये मानना है? जो झूठे वादे किए उन पर आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन आपका फोकस लोगों को ध्यान भटकाने का रहा, लोगों का ध्यान सिर्फ इसमें रहा कि हम किस तरीके से यहाँ पर ये छुटपुट घटनाएं, किस तरीके से उपद्रव होता है, कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त। चलिए पंकज जोशी जी के पास हैं, आपके सवालों का जवाब पंकज जी से दिलवाऊंगा। पंकज जी, ये बात तो मान के चलिए कि जब बंद मुट्ठी होती है तो बहुत ताकत होती है उसके अंदर, और बिखरा होता है तो निश्चित रूप से हाथ बिखरा हुआ दिखता है, अंदर क्या है, किसके पास में कितना सामान है, ये एक अलग इश्यू है, बट प्रतिपक्ष की एक जुटता होती है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बिखरा रुकता है। राजस्थान के परिपेक्ष में ये साजी विरासत का जो सम्मेलन चल रहा है, केवल राजस्थान पे आप फोकस मत रखिए, राजस्थान में बात अलग है कि थोड़ा सा डिफरेंट हमारे यहाँ के राजनीतिक स्थितियां हैं कि दो पार्टियों को यहाँ की जनता लाइक करती है, तीसरे किसी दल का या रीजनल पार्टीज का बहुत ज्यादा को अस्तित्व नहीं रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन किसी न किसी जगह पे जाकर के ये परेशानी हो सकती है जहां इन सब लोगों का दबदबा हो। पश्चिम बंगाल में आप लोग इस वक्त अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और दीदी
तृणमूल कांग्रेस अगर एकजुट होती है तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा खतरा आप लोगों के लिए हो सकता है। इसी तरह से एनसीपी कांग्रेस या दूसरी पार्टी मिलती है महाराष्ट्र में थोड़ी अडल्स हो सकती हैं। तो ये रीजनल पार्टीज का अपना अपना भी है कि सब लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाकर के टच करने की पहल करें। बात अलग हो सकती है कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सीधी लड़ाई लड़ रही हो, थोड़ा भी अगर बिखराव कहीं पे है, एक मैसेज अगर कार्यकर्ताओं के बीच जाता है, पब्लिक के बीच जाता है कि मोदी आरएसएस बीजेपी इनके खिलाफ प्रतिपक्ष एकजुट हो रहा है, तो एक थोड़ी आप लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। विरासत बचेगी नहीं बचेगी ये तो भविष्य के गर्भ की बात है, लेकिन ये बात एक यूनिटी जो है प्रतिपक्ष की अब वो कितनी सफल होगी ये मालूम नहीं है। नहीं देखिए मैं योगेंद्र जी आपने खुद ने यूनिटी देखी, अभी जो कह रही थी संगीता जी कि हम जो है यहाँ पर ये सारे की सारी बातें जो है खाली जो है ये बाहर के प्लेटफॉर्म पे क्यों होती है। ये जो बेसिकली बात थी कि जो चीजें बात करनी थी जहां पर बात होनी चाहिए थी वहां से तो आप गायब हो जाते हैं, वहां तो आप विद्रोह करते हैं, वहां तो आप जो है उसका बहिष्कार करते हैं, वहां से तो आप निकल के चले जाते हैं, चलने नहीं देते संसद को, और यहां पर आके बात करते हैं पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि ये जो विरासत है खुद के सब लोग एक हो जाए, मैं कह रहा हूं कि देखिए आज एक किस चीज के ऊपर हो रहे हैं। आज यदि आप एक होते, यदि आपकी इतनी ही भावनाएं अच्छी होती, इतनी ही राष्ट्र की भावना अच्छी होती, तो आपकी खुद की पार्टीज में क्यों प्रॉब्लम आ रही भाई? आज जनता दल की प्रॉब्लम क्यों है? क्या बेसिकली वहां के राष्ट्र हित अलग अलग है क्या? मैं कह रहा हूं उन दोनों के राष्ट्र हित अलग अलग है, दोनों पार्टी के राष्ट्र हित अलग अलग है क्या, या उनकी क्या परेशानी है? आज इनके यहां से लगातार जो है खुद जनता दल आइडियोलॉजी का सवाल है। मान लीजिए मायावती यादव ने साफ कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ में जो गठबंधन नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का किया था वो प्री अलायंस था, पोस्ट अलायंस नहीं था, कि चुनाव जीतने के बाद का अलायंस नहीं था, कि तो जो पहले का था उसमें गठबंधन हुआ था, सीटों का बंटवारा हुआ था, और जब हम उस वक्त जिस चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे अचानक मोह नीतीश कुमार का ऐसा क्यों जागृत हुआ? शरद यादव का अपना एजेंडा देखे वो साफ है कि मैं अरे देखिए योगेंद्र जी नीतीश कुमार कांग्रेस के पास नहीं गए, कांग्रेस मुखिया के घर नहीं गए, गए कि नहीं गए दिल्ली, वहां जाकर के उन्होंने कहा राहुल जी से टाइम मांगा कि नहीं मांगा? नहीं मिले, नहीं मिले उनसे। किसने कहा नहीं मिले? अरे मैं कह रहा हूँ आपको जो नहीं मिले तभी खुद ने कहा, झूठ बोला क्या उन्होंने? या तो ये कहेंगे हाँ झूठ बोला। देखिए राहुल गांधी बिहार में नहीं, कांग्रेस तो बिहार में, राहुल गांधी कांग्रेस की मान लें, राहुल क्या वहां क्या अलग अलग अलायंस की बात थी, कांग्रेस के अंदर क्यों परेशानी आ रही है? नहीं मैं बताऊं पंकज जी कि देखिए राहुल गांधी नीतीश कुमार के लीडर नहीं है, ना ही नीतीश कुमार यूपीए के किसी अलायंस के धड़े थे, और जिनके लिए कहा जाए कि गांधी परिवार उसके चेयरपर्सन है वो सब कुछ नहीं था। सबसे बड़ी पार्टी तो थी हाँ? या वो भी नहीं मानते? कौन सबसे बड़ी पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी तो मानते हैं। नहीं राष्ट्रीय पार्टी है जो शासन कर रही है, अपने बिहार में नहीं है लेकिन सर राष्ट्र में तो है। मैं कह रहा हूँ यदि राष्ट्र में कोई बड़ी पार्टी है उसको लगता है कि परेशानी आ रही है वहां की उसके अंदर, तो एक जब आप एक शासन के लिए आप पांच जने मिलकर नहीं बैठ सकते, उन्होंने ये थोड़ी कहा समझौता कर दीजिए, उन्होंने यही तो बात की थी कि भाई बैठ जाइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी बात हुई हो मैं दूसरा कह रहा हूँ आज भी। चलो मैं कह रहा हूँ यदि आप यदि होते हैं तो आप यदि मैं कह रहा हूँ आपको लगता है कि इन चीजों पर राष्ट्र के यदि उस पर नाम पे एक हो रहे हैं या कोई चीज हो रही है तो इस पर कहां मना कर रहे हैं? कौन मना कर रहा है कि आप तो ये मैं कह रहा हूँ आप कोई मना कर रहा है क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ आप तो खुद का अपना अस्तित्व बचाने के लिए आज आपका एजेंडा नहीं है, आपके एजेंडा नहीं है, आप दूसरे के एजेंडे पे चल रहे हैं, आप उनके एजेंडे के ऊपर लगातार जो है सहयोग की बात कर रहे हैं, आप अपने एजेंडे पे नहीं चल रहे, आप अपनी जो है लीडरशिप लेके नहीं चल रहे, आप तो खुद के अस्तित्व की बात कर रहे हैं और लगातार इस बात की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना दोनों तीनों चीजें आप खुद देख लीजिए, अभी उन्होंने कहा कि एक स्वीकारोक्ति करी वहां पर बाहर जो है विदेश में जाकर के हाँ हमें अहंकार 2012 का हमारा अहंकार था जो हमारे तो बड़ा पल गया तो यही तो बड़ा पल सारा तो ये लोग कितनी हत्या का हुई अगर यही तो जनता कह रही है कि भाई ये जो गलतियां हुई हैं यही तो जो गलतियां हैं और ये जो चीज कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं आप? अभी भी तो ये जो चीजें हैं कि भाई ये जो चीज हमने कहा सरकार ने क्या गलती कर रहे हैं भाई? हमने कहा सरकार राहुल गांधी ने अगर कहा लोकतंत्र की हत्या है, 3 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, क्या लोकतंत्र की हत्या हो गई क्या वहां? हमने यदि वहां के ऊपर जो है कश्मीर के ऊपर जो है जोशी जी सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, ये सबसे बड़ा स्कैम है, भाजपा पार्टी द्वारा किया गया सबसे बड़ा घोटाला 9 साल तक 2004 से जो है आप लेकर के नहीं आ पाए जो है जीएसटी हमने 3 साल में ला दी तो आपको परेशानी होने लगी। आप जो है आप नहीं नोटबंदी में घोटाला बताइए ना, एक 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 आपकी एक शिकायत यदि कहीं हो, एक शिकायत किसी एक शिकायत संवैधानिक संस्था के हाथ में हो तो बता दीजिए आप।
पंकज जी, संगीता जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, समय कम है आज, मैं श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, श्याम जी बड़ी गौर से सुन रहे हैं और श्याम जी खुद भी इसी वजह से गए थे कि शाम को चैनल से परेशान करेंगे तो जो कुछ देखा जाता है तो उसका विश्लेषण भी ठीक से होता है। श्याम जी, क्या माना जाए साझा विरासत, क्या वास्तव में ये सारे दल मिलकर के बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, या नरेंद्र मोदी जैसे नीतीश कुमार को तोड़ने में सफल रहे ऐसे बिखराव तो नहीं कर देंगे इसमें? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि 15 दल एक साथ आकर के आज एक जगह तीसरी बार बैठे हैं, फिर लड़ेंगे नेता कौन होगा? दिल्ली में बैठे, फिर इंदौर में बैठे, अब जयपुर में बैठे, अब चौथा कहां होगा आज डिक्लेयर नहीं किया, ये बात तो तय होगी। लेकिन ये बात सही है कि विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस हमारे यहाँ शासक विपक्ष के रूप में है, केवल सब बहुजन समाज पार्टी के पास भी यहाँ पर एक नहीं दो विधायक है, अब तो तीसरा विधायक खत्म हो गया, बाकी लोग बहुत कम स्थिति में ऐसा है। कांग्रेस को मजबूरन इन लोगों के साथ खड़ा होकर के कहना पड़ा कि हम साझे विरासत के साथ हैं और इसके बदौलत हम देश में एकता का सूत्र ला करके चुनाव जीतने की बात आज भी नहीं हो पाई कि हम चुनाव जीतेंगे, जबकि बीजेपी ने 350 का लक्ष्य लेकर के चुनाव की तैयारी, तो उस दिशा में काम नहीं कर रही, यानी कि रूलिंग पार्टी ज्यादा अपने एफर्ट्स कर रही है कि हमें 2018 का चुनाव जीतना, 19 का लोकसभा का चुनाव जीतना है, लेकिन कांग्रेस अभी जो चर्चा चल रही है कि गुटबाजी के अंदर फंसी हुई है, कई तरह की जो बातें हैं, उस सब चीजों की आवश्यकता है कि इस वक्त, लेकिन ये बात है कि चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, चुनावी मूड में साफ दिखाई देते हैं। और साझा विरासत सम्मेलन ये तीसरा सम्मेलन रहा, भीड़ काफी जुटाई गई, नेता भी काफी पहुंचे, लेकिन अब कितना असर राजस्थान में दिखेगा ये देखने वाली बात रहेगी, भविष्य के गर्भ में है। चलिए, खास खबर में साझा इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।